दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जुर्माना फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी, और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जुर्माना सन 1996 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, रंभा, शक्ति कपूर, रोनित रॉय, कंचन, अनिल नागराज, शशि किरण, विश्वजीत प्रधान, रजा मुराद, अश्वनी भावे और किरण कुमार नजर आए थे। इस फिल्म को टीएलवी प्रसाद ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स इकबाल राज ने लिखे थे। इस फिल्म को कल्याणी सिंह ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कुल 130 स्क्रीन के साथ 5 जनवरी सन 1996 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 25 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 29 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 3 करोड़ 98 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 5.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1996 की 47th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन ने दिए थे और उसके लिरिक्स मानसिंह दीप और मिथिलेश सिन्हा ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे, आज के गाने फ्लॉप रहे थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती और रोनित रॉय के साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों खतरों के खिलाड़ी फिल्म में नजर आए थे, जो सन 2001 में रिलीज हुई थी। नंबर 2, ये फिल्म सन 1996 की पहली रिलीज हुई फिल्म थी। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करें ना भूले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।